नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों से, लगभग 30 दिनों से, एक महीने से पूरा नवंबर कोई भी व्लॉग नहीं आया है। मैं खुद सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, बाकी सभी सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे दूर रहा हूं। लेकिन अब दिसंबर शुरू हो चुका है और अब फिर से वापस यूट्यूब पर डेली व्लॉग्स आएंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद वापस YouTube पर वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन में। कई बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, जब आप एक तरीके से एक महीने से जब आप सोशल मीडिया से दूर होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक सोशल टॉपिक उठाऊंगा और उसके ऊपर बताता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ मेरे साथ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई भी काम कर रहे हैं आप, नॉर्मल जा रहे थे, पर आपने अपने सामने देखा कि किसी ने, किसी की गलती थी जिसकी वजह से किसी और को चोट लगी, आप बीच में कूद पड़े उस चोट खाए हुए इंसान को बचाने के लिए या उस चोट खाए हुए इंसान को सपोर्ट करने के लिए, बट हुआ ये कि जिसने चोट पहुंचाई वो उस इंसान ने, जिसने चोट खाई उसको छोड़ करके आपके ऊपर कूद पड़ा, वो आपसे उल्टा लड़ाई करना शुरू कर दिया कि आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे सामने एक कार जा रही थी और एक स्कूटी से इंसान जा रहा था। कार वाले ने ना इंडिकेटर दिए, ना ही अपनी स्पीड स्लो करी और उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी, तो जिसकी वजह से जो स्कूटी वाला था वो लड़के टकरा के गिर गया। स्कूटी वाले को सपोर्ट करने के लिए मैंने कार वाले को पकड़ा, स्कूटी वाला उठा और निकल गया। कार वाले ने मुझे पकड़ा और उसने, और वो उसकी जो तू मैं है वो मेरे साथ शुरू हो गई कि तू कौन होता है कुछ कहने वाला, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं, मतलब, अपने आप को क्या बोलूं कि मैं क्यों हीरो बन रहा था या मैंने क्यों किसी के सपोर्ट के लिए बोला। क्या दूसरों को सपोर्ट करना या जिसने गलती करी है उसको गलत कहना भी आज के समय में गलत हो चुका है? मतलब ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी कल मेरे साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान है जो चल रहा है सड़क पर या कहीं पर भी है, अगर उसने गलती करी है तो उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और जो भी लोग हैं आसपास वो उसके सपोर्ट में आने चाहिए। जिसने चोट खाई है या जिसके साथ गलत हुआ है वो भले कुछ बोले या ना बोले, लेकिन गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर आप भी कभी इस तरीके की किसी सिचुएशन में आए हैं कि आप किसी और की मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं लेकिन आप खुद उस सिचुएशन में फंस गए हैं, तो प्लीज़ ऐसे इंसिडेंट को ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप उस वीडियो को भी प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम जो भी अच्छाई है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, बता सकें लोगों को, और जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उसको इनक्रेज कर सकें कि वो दूसरों के सपोर्ट पे, दूसरों की मदद के लिए आगे आए। नमस्कार।